आयो मैना दीदी, कहाँ आती आयो? हम घर पर से खोजते खोजते खेत में आलिए। खेत में की करे छे? वीडियो ना देखे के हवे? वीडियो के तो देखे के हेते न हां, तो तनी धान देख ल छे तो वीडियो देखबे। धान तो बहुत अच्छा लगाए, आहा बहुत मेहनत आर करली रे की? की कनिया की बे सवाल करे छ तू? हां इतना सुना मेहनत कैले छियै, वीडियो देख लिए हने तो धान उपचार क क बीज गिरा लिए, बीज गिरा कर रोप लिए, हां दुगो कमाई निकालिए, हां मेहनत इतने कैले छी तो अच्छा धान होता है ना? मेहनत कलिए से खेत तो दिखे रहल हो। लगाई है दीदी, ई बार कमाईनी भी बढ़िया से कलिए हो? समय पर एकरा हम कमाईनी नहीं करबै, खर पतवार रह जता तो फसल भी अच्छा नहीं होता, आ समय पर कमाईनी कर दिलिए हाँ तब उपजा भी ज्यादा होता, फसल भी बढ़िया होता। कमाईनी कले तो एको गो ना जंगल झाड़ हबे। लगाय छे इस बार उपज बढ़िया होते दीदी? धान बहुत सुंदर होले। नहीं नहीं अखनी एक बहुत जरूरी काम बचले है। कौन काम बाकी छे दीदी? देखिए बाल निकले के समय से दूध भरे लाए ताले पानी के धान में बहुत जरूरी है। बाल निकलने में 10 से 15 दिन समय लगाय छे, दूध भराय में 8 दिन से 10 दिन में ई दूध भरा जाय छे। दूध सूख कर चावल बने छे, बुझलहू? अच्छा बाली से दुधिया अवस्था तक नमी पर खेत में ध्यान रखना चाहिए। इस स्थिति में अगर बारिश न हो तो मशीन से पटवन कर कर 1 इंच से 2 इंच पानी हरदम हमेशा खेत में रहना चाहिए। अच्छा बाली से दुधिया अवस्था तक धान खेत में पानी नहीं रहे पर 40 से 50% उपज कम जाय छे। बाली निकले से खेत में धान के खेत में नमी रहे के चाहिए, एहे लेल दूध बनत रहे छे आ धान के नुकसान नहीं पहुँचब, ओसे खखरी नहीं होय छे। अच्छा दीदी खेत में पानी रहे छे ना तो अपना पौधा जरूरत के हिसाब से घिचत रहे छे, ओहे दूध धीरे धीरे दाना बन जाय छे, समझल हो न? हाँ समझ गेलिए दीदी। गांधी कीड़ा के नाम जानल हो? हाँ धान के दुधिया अवस्था में गांधी कीड़ा के आवे के बहुत संभावना हो जाय छे, ओहे कीड़ा धान के दूध के चूसना शुरू कर दे, ओहे वजह से धान के खखरी बहुत हो जाय, पानी के पौधा में दूध भरत रहे छे, एहे लेल खेत में पानी रहे से जरूरी है। दाना के पुष्ट होय से धान के उपज बढ़ जाय छे। ई बहुत फायदे के बात बतलिए है। पानी के जमा दुधिया अवस्था से 1 से 2 इंच पानी रहना जरूरी है। वर्षा न होते दीदी तो बोर्डिंग से पानी पटाना खेत में जरूरी है। हमारा विश्वास है कि दीदी दूध भरे ला 1 से 2 इंच पानी रखवाई दीदी।